मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग अध्याय 3 का कंसेप्ट पढ़े थे, आज से हम लोग अध्याय 3 का यानी एक्सरसाइज 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन लिखा गया है 15 के सभी गुणनखंड, ठीक है। हमने शुरू में ही बता दिए थे गुणनखंड, ठीक है, भाज्य अभाज्य पूर्ण संपूर्ण और समरी, ठीक है। इन सभी पॉइंटों पर हम चर्चा कर चुके हैं, आज समझेगा इस बारे में क्वेश्चन। लिखा है 15 के सभी गुणनखंड, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। क्या होगा जी, जैसे अंग्रेज में 15 का गुणनखंड स्पेशल लिख सकते हैं, 1 × 5 × 1 × 3 × 5, 1 × 3 × 15 या स्पेशल करेंगे आभास गुणनखंड विधि से, शुक्ल कराएंगे 3 × 3 = 15 × 5 × 5 = 5 क्या आ गया कि वही बात आया, ठीक है। 3 × 15 = 5 × 5 = 1 × 3 × 5 या 1 × 5 भी हो सकते हैं। एक बार जब लिखा गया है 1 × 3 × 5 यानी उसको गुणा करने के बाद जब संख्या दिया गया है उसके बराबर आना चाहिए, कितना वाली 5 × 15 = 15, ठीक है। क्या 15 × 1 क्या क्या है, 1 × 3 × 5 क्या है, 15 × 1 है। ऐसे आप तो करते थक कर सबसे अच्छा तरीका यही करा है, ठीक है। और इसको क्या पाते हैं, सुन पाते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 64 के सभी गुणनखंड लिखिए, क्या गया दूसरा क्वेश्चन, 64 के सभी गुणनखंड लिखिए। इसमें भी गुणनखंड करना है, ऐसे ही करेंगे इसको भी आभास गुणनखंड भी द्वारा सबसे पहले करेंगे, लिखेंगे 64 करेंगे, ठीक है। तो यहां पढ़ रहा है 64 को लिखेंगे 64, 2 × 6 = 32 करेंगे 2 × 2 = 2 × 2 = 12 कितना गया 16, 2 × 2 = 2 × 16, 2 × 2 = 8 जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 2 यानी अंतिम में ये करना आवश्यक है, ठीक है। शुरू हो गया गुणनखंड और इसे लिखेंगे पूरा लिखने में ग्राम में 64 का गुणनखंड बराबर 1 × 2 = 3 × 4 = 5 = 7, ठीक है। दो बिना 6 का बनाया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 6, ठीक है। तो क्या है, यही आपका गुणनखंड है, यानी 64 का गुणनखंड, ठीक है। यही आपका आंसर भी होगा। इस प्रकार जो भी चाहे इस
इसके द्वारा कितनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई हो उसको हम सबसे अलग तरीके से आभार गुणनफल विधि से इसे गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए पर क्या थी तो आभार गुणनफल विधि के द्वारा इसको हल किया गया है। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। जैसे आप क्वेश्चन लिखना है, एक नंबर क्वेश्चन है 32, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 40, तीसरा क्वेश्चन है 48 और चार नंबर है 80, ठीक है। ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों क्वेश्चन को आप लोगों को निकालना है गुणनफल, ठीक है, और इसी विधि से निकालना है यानी आभार गुणनफल विधि से निकालना है इसका गुणनफल 32 का, 40 का, 48 का और 80 का, ठीक है। यदि आप इसे समझ चुके हैं तो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले आभार गुण देखेंगे, ठीक है, सब लोग देखते हैं, सबसे पहले दूर से पढ़ जाएंगे, ठीक है, देखेंगे कटाने कटाने के समय जो संख्या दी गई है वो दो से कटेगा कि नहीं। यदि दो से नहीं कटता है तो मुझे देखेंगे कि वह संख्या तीन से कटता है कि नहीं, ठीक है। यदि तीन से नहीं कटता है तो मुझे देखेंगे चार से या पांच से, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन करेंगे कि जो दो तीन से कटती है जल्द कटती है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये चार क्वेश्चन दिए गए हैं, होमवर्क के रूप में चार क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ठीक है, और इसको समझते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।